मारने चली। पार्वती, सासू माँ को किसी ने मार डाला। इसका मतलब पापा ने नानी को मारा था। तुम्हारी बातें सच हैं, ये हम कैसे मान लें? मेरे दामाद ने मुझे मारा था, मुझे लोहे के रॉड से मारकर उसे कुएं में फेंक दिया था। ए! ए! कौन हो तुम लोग? ए! रुको, कैसी लगी? सच में सुपर कहानी है अंबेडकर। बढ़िया है, तुम्हें एडवांस दे रहा हूं, तुम बाहर बैठो, अपने फ्रेंड को भेजो। ओके सर, थैंक यू सर। आर यू नेहरू सर? गुड मॉर्निंग सर। मैंने तुम्हें मारा था ना? हाँ सर, कोई बात नहीं सर, अभी मैं जो कहानी बताने वाला हूँ वो एक मासूम की कहानी है सर। एक छोटा सा गांव था। किसी भी कहानी की शुरुआत होने के लिए शुरुआत और अंत होना चाहिए। इस कहानी की शुरुआत अंत दोनों भी ये घन अवतार ही है, सॉरी ये विनायक है। शरीर बढ़ने के बाद ये नाम नहीं रखा, पैदा होते ही नाम विनायक रखा है। दूसरे गांव से आकर दूध बेचना इनका काम है। पढ़ने में बहुत ही होनहार है,
और दिल का भी बहुत अच्छा इंसान है। अरे सही से बैठ, सुखा दूं तेरे बाल। अरे विनायक। पापा। तेरे लिए कोई लेटर आया है बेटा। पापा, मैं फर्स्ट क्लास में पास हो गया। फर्स्ट क्लास में पास हो गया। बहुत अच्छी बात है। सब भगवान की कृपा। ए नारायण, अपना विनायक यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक आया है। प्रणाम चाचा। प्रणाम चाचा। जीते रहो बेटा। Yeah, I read your thesis work. Very interesting. मैं बाद में बात करूंगा। हेलो लक्ष्मण राव जी, कैसे हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? या बिल्कुल अच्छा हूँ। कैसे आना हुआ? ये मेरा बेटा है, फर्स्ट आया है, इसे आपसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। Hey, you are Mr. Vinayak Rao, am I right? हाँ सर, आपने सही पहचाना। Hey, come on my boy, how are you? आपका बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है। I'll take care of you. Don't worry. ये अभी बच्चा है। You don't worry, मैं देख लूंगा। आप ध्यान रखिएगा। अरे ओ सांभा। कौन मैं? तू? हाँ आया। कब्बर भाई का रूल है, लाइन में खड़े रहो। ओ, रैगिंग करवाने के लिए क्यों में लगना पड़ता है? तेरा नाम क्या है बे? वैसे तो मेरा नाम विनायक राव है, पर सभी मुझे विनायक कह के बुलाते हैं। बहुत करारी बॉडी बनाई है, कौन से चक्की काटा खाता है? अच्छा एक बात बता, तेरा नाम पैदा होने से पहले रखा था या पैदा होने के बाद? बचपन से मेरा यही नाम है। ठीक है, सोच रहा हूँ तुझसे क्या काम करवाऊँ क्या ना करवाऊँ। क्या करवाना चाहिए? डांस करवाते हैं। भाई डांस करने को बोलो। ओके डांस। सुन, आज तक मैंने सर्कस में हाथी को नाचते हुए नहीं देखा है, अगर तू नाचेगा तो मुझे वही फील आएगा। मैं और डांस सच में करना पड़ेगा? आपने डिसाइड कर लिया है? हाँ डिसाइड कर लिया। पक्का डिसाइड कर लिया है ना? कंफर्म डिसाइड कर लिया। ठीक है फिर देखो मेरा डांस। तो दिखाओ। क्यों भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं, कंटिन्यू। ओके दोबारा करता हूँ, रेडी। जरा संभल के। अरे बाप रे। मुझसे पंगा लेने चले थे। ये सब क्या हो गया? और यहाँ बिल्डिंग कौन बना रहा है भाई? अरे बेवकूफ, बिल्डिंग नहीं बन रही है, बनी हुई बिल्डिंग गिर गई। मैं आई कम इन सर। विनायक राव कम इन। बोलो क्या बात है? वो सर लाइब्रेरी में रात 10 बजे तक की परमिशन दे रहे हैं, अगर आप लाइब्रेरियन सर से रिक्वेस्ट कर देंगे तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा सर। क्लास खत्म होने के बाद अगर रात को 10 बजे तक बैठो तो लगभग 6 घंटों का समय तो मिलता ही है ना, क्या ये समय भी कम पड़ रहा है? एक्चुअली वो क्या है सर कि 6 घंटे में एक ही सब्जेक्ट कम्प्लीट हो पा रहा है, पर सर मुझे सारे सब्जेक्ट कम्प्लीट करने हैं इसलिए मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, इसीलिए कह रहा था सर। हमारे विद्वान 6 घंटों में एक घंटा भी लाइब्रेरी में नहीं आते हैं, किताबों का नाम कम पब्स का नाम ज्यादा अच्छे से बताते हैं। तुम्हारा 6 घंटे का बुक पढ़ने का डेडिकेशन मुझे बहुत पसंद आया। चिंता मत करो, मैं अभी लाइब्रेरियन से बात करता हूं। जी सर। आ जाओ।